तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं श्रीनगर से बाहर और कश्मीर वैली की सबसे खूबसूरत वादियों में से एक पहलगाम में, और अपनी एकोमोडेशन से हम बस अब निकलने लगे हैं और जा रहे हैं गाड़ी पकड़ के यहाँ की सबसे खूबसूरत जगहें आपको दिखाने के लिए कि भाई बड़ा सुना है मिनी स्विट्जरलैंड है। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। आर यू एक्साइटेड? वेरी। आई एम आल्सो। और वेरी काइंडली सुहेल भाई ने भी हमारे लिए टाइम निकाला और उन्होंने कहा कि भाई आप घूमने जा रहे हो तो मैं साथ चलता हूँ, आपकी हेल्प कर हो जाएगी और हमें कई सारी चीज़ें जो है ना लोकल पर्सपेक्टिव से देखने को मिल जाएंगी। आफ्टर ऑल ही इज़ फ्रॉम श्रीनगर। बाकी सुहेल भाई थोड़ा कैमरे के आगे बोलते गए, सही कह रहे हैं? सही कह। अच्छा यही है वो वॉलन ट्रीज जिनकी सारी कार्विंग वगैरह बना के यहाँ पे मिलती है? हाँ जी। ओके। आ गया जी, वेलकम टू पहलगाम का साइन। यहाँ 50 रुपए की ठोक लगेगी। और ऑफिशियली जी ये एंट्री पॉइंट है पहलगाम का, और यहाँ से व्यू ये आपको दिखने शुरू हो गए हैं। पूरी वैली यहाँ से ओपन अप हो जाती है, साथ में जो है नदियाँ बह रही हैं, पानी इनका एकदम बहुत सुंदर साफ। ये आपको दिख रही है जी मेन मार्केट पहलगाम की सारी। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी ना हो तो इसी मार्केट से लगभग 3,500 में नोवा या 1,500 रुपए में वैगनर ऑल्टो टाइप गाड़ियां मिल जाती हैं जो उसी रूट पे आपको ले जाएंगी घुमाने के लिए डे ट्रिप पे जिस पे हम जा रहे हैं, यानी कि सबसे पहले तो वर्ल्ड फेमस बेताब वैली और उसके बाद आरू वैली। और जहाँ जहाँ वैली चलती रहेगी हर जगह ही इतने बढ़िया फोटोजेनिक नज़ारे हैं कि आपका जहाँ मन करे गाड़ी रोकी, फोटोज ली और फिर चले, समझ नहीं आती बंदा कार रोके कहाँ छोड़े। और पहलगाम से सिर्फ 20 मिनट गाड़ी चला के आप पहुंचते हैं जन्नत के इस टुकड़े के पास। जिसको बेताब वैली कहा जाता है। और फिर आपकी आंखें देखती हैं ये नजारा। और ये जगह बेहद ही रोमांटिक है। ओके जी, लुक एट द वाटर, इट्स सो क्लियर, यू सॉ इट नाउ, आई बीन सीइंग इट इन द ड्रोन शॉट्स ऑल अलोंग। एकदम सुंदर साफ पानी, और ये पीछे वो जगह है जिसको कि बोला जाता है बेताब वैली, क्योंकि बेताब मूवी की सनी देओल की शूटिंग वाज हियर। एंड ये पार्क की तरह है, देयर इज अ फीस आल्सो लाइक 100 रुपीज पर पर्सन, एंड दिस प्लेस इज फ्लॉक्ड, भर जाएगी 2-3 घंटे बाद, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होगी क्योंकि इतनी फेमस है। और वादी तो आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। Like it? Have you watched the movie before? Betab, no. No. We need to watch it together. Yeah. और बागी भाई साहब बता रहे हैं कि बजरंगी भाईजान की भी शूटिंग यहीं पे हुई थी ना, जो बॉर्डर वाले सीन जो थे पानी में जाता था वो। हाँ, पानी। अच्छा, ओके, सलमान खान वाले। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी बताई है कि यहाँ पे जो घोड़े वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं कि एक घंटे की राइड पे आपको हम क्या क्या कराएंगे, 19 पॉइंट दिखाएंगे। आप वैसे बोले एक घंटे की राइड है तो वो कहते हैं 12 पॉइंट 19 पॉइंट, मगर होता सब कुछ एक ही इसी ट्रेल पे उसी एक घंटे के अंदर।
आप जब यहाँ पे आते हो तो पार्क की वर्थ के लिए फिर उन्होंने ऐसे ब्रिजेस भी बना रखे हैं कि बंदा थोड़ी अपना सुंदर सुंदर फोटोज ले ले, टॉयलेट्स लॉजेस वगैरह मिल जाते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रेच है ना, पूरा स्ट्रेच ही बड़ा सुंदर है क्योंकि यहाँ से आप पार्क की तरफ आते हो और इस टाइम चलते चलते आगे जो है फिर ये वैली पूरी की पूरी ओपन अप हो जाती है। वैसे यार इस गाँव का असल में नाम क्या है जो आगे गाँव है एरिया का? फ्रसलन। आगे फ्रसलन, फ्रसलन, फ्रसलन ये एक्चुअली विलेज का नाम है जो आगे वो सामने एक विलेज नज़र आ रही है। हमारी मैडम जो है अपना फर्स्ट क्लास सेल्फीज लेने में बिजी हैं। ये शैल आई आस्क फॉर इंस्टा टेक सम फोटोज फॉर बोथ ऑफ अस? ओह इट्स रियली नाइस। ओह बट द सन इज टू मच, सी इट्स ओवरएक्सपोज्ड। या आई नो, मामा अर्थ लगा रहे हैं सनस्क्रीन 50 SPF क्योंकि धूप जो है ना यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सड़ने लग गया। मैंने कहा चल यार लगा लो थोड़ी सी, बढ़िया रहती है। ये तो हमें ले आए सुहेल भाई इस जगह पे कि थोड़ी सी आगे जाके ना मेन एंट्री है, इससे ऊपर निकल के, वरना तो हमें, हम तो मैप पे लगाई होती सीधा नीचे चले जाते, पर लोकल लोगों को ही पता होता। थैंक यू भाई साहब, मतलब बहुत बढ़िया फोटो आ गई और रीले तो क्या बढ़िया बनाई है, मजा आ गया। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं अभी, द ट्रैवलिंग देसी मेरा इंस्टाग्राम है और इनके इंस्टाग्राम पे जो है ना मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, द गाय फ्रॉम कश्मीर, द गाय फ्रॉम कश्मीर, अमेजिंग। ये आगे जी पार्किंग, यहाँ से 100 रुपए की एंट्री। ये शुरू हो गया जी बहता पानी जिसकी आवाज आप सुन सकते हैं। अब अंदर जाएंगे पार्क में जहाँ पे वॉशरूम भी है। मैडम ने वॉशरूम जाना है तो मैडम अपने बैग में देखो, अपनी किट में टॉयलेट पेपर हमेशा साथ रखती हैं, हैबिट की बात होती है ना जी। थोड़ा सा निकाल के भी साथ ही ले जाएंगी। अंदर आ गए हैं जी और फीस लगी है 100 रुपीज पर पर्सन। आई नो, इतना साफ पानी है, कहते हैं कि ऊपर से जब बर्फ पिघलती है ना तो वो सीधा वही पानी आता है, लोग तो पी भी लेते हैं इसके अंदर से, नहाना तो दूर की बात है, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट, पूरा तला नजर आ रहा है। I love it so much here, Juju. It's so beautiful, so peaceful. Can we spend the day here? I don't think so, because it as peaceful as it may seem right now, in 2 hours there are going to be so many tourists, क्योंकि बहुत popular जगह है ना, और यहीं से जो है कई सारी trails की भी शुरुआत होती है, people come and start all their excursions from here as well. But it's a big park, I'm sure we can find a quiet spot. Yeah, but we have a lot more to cover also. I know. वहाँ से चले थे भी हमें लगा था कि क्या थोड़ा सा नॉर्मल सा पार्क है, बट इधर आए हैं और जैसी वैली खुल गई है ना इसके तो फिर क्या ही कहने। और ये बाय द वे बादल नहीं है, ये किसी ने आग लगाई हुई है यहाँ पे लोकल्स ने, तो उसका इफेक्ट आ रहा है। Am I in a dream? But it looks like dreamland यार, स्विट्जरलैंड फेल है वाकई इस जगह की आगे, मतलब पानी एकदम शीशे की तरह साफ, पीछे घोड़े गायें जानवर अपना घूमते चहचहाते हुए, और पानी का रंग ये कैमरा कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। एक्चुअली ना सनलाइट पे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, सूरज ऊपर जाता है ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, और आप भी इसको किस एंगल से देख रहे हैं ये आपको ग्रे से लेके टर्कोइज से लेके नीले तक कुछ भी नज़र आ सकता है। ब्यूटिफुल, स्टनिंग। बाकी जी अपना काम हो गया, यहाँ से हम जा रहे हैं आगे की तरफ, मगर आप चाहें तो यहाँ पे एक्सटेंडेड हॉर्स राइड ले सकते हैं। रेट तो भैया यहाँ पे नेगोशिएशन चलती चलती है, पैसे बहुत मांगते हैं बजरंगी भाईजन के पॉइंट, ये वो कुल मिला के अलग जगह ले जाएंगे, पानी के नशे घुमाते घुमाते अपनी फील वाइब है उसकी, अगर आपने पूरा दुनिया स्पेंड करना हो तो। लाओ जी हमारे वापस जाने के टाइम तक भीड़ लगनी शुरू हो गई है, ऐसी द बेनिफिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली। इट्स ओके, आई डोंट माइंड पीपल, आई लाइक पीपल। आई लाइक पीपल टू, बट यू डोंट लाइक पीपल इन योर शॉर्ट्स, एम आई राइट और रॉन्ग? There's always way to find angle. Okay. बाकी जी अगर आप साथ घर के बड़े हो तो उसको बिठा के जो है अंदर ले जाते हैं तो काफी कन्वीनियंट हो जाता है। बाकी जी वीडियो अभी तक की पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर बटन दबाते जाइएगा और सब्सक्राइब बटन बेल आइकॉन से ना हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है, आपको अपडेट मिलते रहेंगे, भूलिएगा मत। अब चलते हैं आगे, तो ये स्कूल की पिकनिक भी आ गई है तो इसलिए बहुत ही टाइम से आ जाना,
अपन चले, हमारा होटल जितना भी अभी क्राउड यहाँ पे है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। These people are mostly locals. अच्छा, कश्मीर से ही? हाँ, कश्मीर से। ओके ओके ओके। From श्रीनगर, from अनंतनाग। अच्छा। So basically आज it's weekend. अच्छा, weekend है तो सारे आ गए। और अपना स्कूल की पिकनिक भी आई हुई है जी, तो इसलिए टाइम से आ जाना चाहिए यहाँ तो। ये तो बहुत बढ़िया किया इन्होंने, पहले ही कह दिया बेताब वैली 9 बजे से पहले पहले निपटा दो। शहर खुल गया है जी, अब काफी लोग नजर आने लगे हैं, चहल पहल हो गई है, मगर हम भी दूसरी जगह जाने से पहले सोच रहे हैं कुछ पेट पूजा कर लें। फिर से मांगे जी दाना पानी, अपना जो है फर्स्ट क्लास नाश्ते परौंठे खाने के। सॉफ्ट बढ़िया ना, फालतू मसाला ना कुछ। पराठा जी एक तकरीबन आप लगा लो 110-120 की रेंज में था। 10 पराठे हमने लिए, 4 हमने लिए डोसे, और उसके अलावा 2 कॉफी 1 चाय, कुल मिला के बिल 1680 रुपए। सुबह का टाइम हो गया जी, 10-11 बज गए हैं, मार्केट पूरी खुल गई है, रौनक के मेले लगे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे डिप्लॉयड है सबकी सेफ्टी के लिए, और मैडम कह रही है कि मेरे को कुछ कश्मीरी जो है ना पहन के जाना है आगे के हिस्से के लिए, तो इसीलिए सुहेल भाई उनको ले गए हैं यहाँ पे कुछ दिलाने के लिए। What do you call this? Kaftan. Yeah. Wow, this is really huge. But ये free size ही होता है? Free size. Oh, it's too long for you. Yeah. It's beautiful though. सैंड्रा कह रही है मैं तेरे को छोड़ के वापस आती हूँ क्योंकि मेरे अंदर थोड़ी सी पेशेंस कम हो जाती है। लो जी हालत देखो, देखो जी 12 बजे के बाद अगर कोई आएगा ना 11-12 बजे, ये सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं पहलगाम में, सब बरगेला है।